भाषण में माहिर, लेकिन जब कार्य जमीन पे करने की हो तो उसमें साबित होते हैं हमारे साहेब जीरो। आए दिन दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं? जी हाँ साहेब, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने देश को स्वर्ग बना दिया हो महिलाओं के लिए। अब बलात्कार नहीं, हर जगह पूजा होती है। आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। अरे मोदी जी, तो चुना आपको इसीलिए तो गया था कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती थी, तो आप चुनकर आए हैं और आप कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आप भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही थी। राहुल गांधी का एक बयान आता है कि हिंदुस्तान को दुनिया अब रेप कैपिटल के नाम से जानने लगी, हमारे देश की बेइज्जती होती है। ये वही भाषा है जब आपने अपने इलेक्शन से पहले बोला था, लेकिन आपका कोई एक्शन नहीं दिखाई दिया, ना कोई ऐसा सख्त कानून बना और ना ही कानून बनाने के बाद उसको जमीन पे उतारा गया ताकि हमारे देश की महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाया जा सके। आज आए दिन खबर आ रही है, कल एक और बलात्कार का मामला सामने आया, आज एक और बलात्कार का मामला सामने आया, एक और बच्ची को बलात्कार करके जला दिया गया। यूपी में आए दिन लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार करके जला दिया जा रहा, ऐसे जघन्य अपराध के लिए आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। बीजेपी की सरकार है यूपी में, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, चिराग जलाने के लिए करोड़ों रुपए जरूर दिखाई देते हैं, फूल बरसाने के लिए करोड़ों रुपए जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन समाज के अंदर में महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाए रखने के लिए किसी भी तरह का कदम आपकी तरफ से उठता नहीं दिख रहा। एक लंबी लिस्ट बनी हुई है बलात्कार की, अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो हर रोज एक बलात्कार की मामला आपकी आंखों के सामने गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आता है, मोदी जी का इस पर एक खबर तक नहीं आती है। ऐसे में क्या हम ये माने कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने में माहिर है, करने में बिल्कुल जीरो? जब बात कार्रवाई की होती है, जब बात महिला सुरक्षा की होती है, जब बात रोजगार की होती है, जब बात किसानों की होती है, जब बात जवानों की होती है, तो ये चुप्पी मारकर, ऐसे कुंडली मारकर ऑफिस में बैठ जाते हैं ये बताने के लिए कि 24 घंटा में 23 घंटा साहेब काम कर रहे हैं। और अंधभक्त तो ऐसे चुप हैं जैसे इनके कानों के नीचे किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया हो, वैसी हालत अभी अंधभक्तों की हो चुकी है।